मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने शायद देखा होगा कि हमारा एक ये भर्ती विधान निकाला है हमने, ये क्या इसकी सोच क्या थी। जब 2 साल से मैं काम कर रही हूँ यूपी में, और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मैं लोगों से मिलती हूँ, सबसे ज़्यादा देश में नौजवान यूपी में ही हैं, और जब भी मैं मिलती हूँ तो यही इश्यूज उठती हैं कि दीदी रोज़गार के लिए क्या करेंगे, हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमारे लिए सरकार क्या करेगी। और ख़ास तौर से ये जो परीक्षाओं का जो मसला है, जो एकदम इस कदर बिगड़ गया है अब कि जैसे मैंने कहा, मैं स्टूडेंट से मिलती हूँ जो 5-6 साल उनके गवाए जाते हैं इसी में कि वेट कर रहे हैं, परीक्षा दे दी है, पैसे खर्च कर लिए हैं, ट्यूशन करा लिए हैं, माँ बाप ने मेहनत की है उनको ट्यूशन के लिए भेजने के लिए और सब फीस भरने के लिए, नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, कुछ या तो कहीं कोई घोटाला हो जाता है या फिर पेपर लीक हो जाता है या फिर मार्कशीट मतलब वो पासिंग जो ग्रेड है उसको बदला जाता है, तो इस तरह से एकदम प्रताड़ित हो गए हैं। तो हमने सोचा, देखिए सारी राजनीतिक दल जितने भी राजनीतिक दल हैं वो चुनाव के समय कहते हैं हम 25 लाख नौकरियां देंगे, 20 लाख रोज़गार देंगे, तो हम में फ़र्क क्या है। तो मैंने अपनी टीम से बात की कि भाई फिर हम में फ़र्क क्या है, हम भी कह रहे हैं, कोई नौजवान कैसे जानेगा कि जो हम कह रहे हैं उसका क्या वैल्यू है और कैसे हम कैसे देंगे ये नौकरियां। तो हमने सोचा क्यों ना हम नौजवानों के लिए एक अलग विधान बनाएं जिसमें हम लिखें कि हम ये जो 20 लाख नौकरी का वादा है, जो रोज़गार का वादा हम कर रहे हैं, ये 20 लाख रोज़गार आएंगे कहाँ से। अगर एक नौजवान अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कुछ नया शुरू करना चाहता है मैं तुम्हें स्माइल करा के ही भेजूंगी यहाँ तो उसकी हेल्प कैसे करेंगे, तो ये चीज़ें। फिर इसमें हमने ये भी सोचा कि सिर्फ जैसे हम ठीक है पढ़ाई रोज़गार पर जोर लगता है, लेकिन आज जैसे आपने कहा इतना प्रताड़ित हैं स्टूडेंट्स, उनके मानसिक जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए क्या कर रहे हैं,